हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीक्षा और आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल कुकिंग विद दीक्षा में। आज हम बनाएंगे कुछ नई रेसिपी जो कि बहुत ही अच्छी रेसिपी है। हमने ले लिए हैं सेम के बीज और उसको हम बॉयल कर लेते हैं। हमने गैस पे कढ़ाई को चढ़ा दिया, उसमें पानी डाल के हमने सेम के बीज को डाल दिया। वो अच्छी तरह से पक चुके हैं और इसे हमने मिक्सी जार में पीस लिया है। ज़्यादा बारीक नहीं, दरदरा पीसना। ये हमने गर्म मसाले पीस लिए हैं। बस कढ़ाई में डालते हैं तेल। मसाले में हमने खड़े धनिया, जीरा, हल्दी पाउडर और लहसुन अदरक मिर्च का पेस्ट हमने बनाया है। हमने डाल दिया कड़ी पत्ता, जीरा और बनाए हुए मसाले, जिसे हम अच्छी तरह से पकने तक इसे मीडियम फ्लेम पे भून लेते हैं। ये मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं, अगल बगल से इसमें तेल निकल रहे हैं। इसमें डालते हैं कटे हुए टमाटर। आप चाहे तो टमाटर की प्यूरी भी बना कर डाल सकते हैं या तो ऐसे भी डाल सकते हैं। टमाटर को हम इसमें एक चम्मच नमक डाल देते हैं ताकि टमाटर हमारा अच्छी तरह से जल्दी से गल जाए। टमाटर हमारा अभी पक चुका है। इसमें ऐड करते हैं बीज जिसको हमने पीसे थे। इसे भी हम एकदम मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे इसे पकाना है। इसे अच्छी तरह से बहुत ही मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि ये जले ना और अच्छी तरह से पक भी जाए। ये पक चुके हैं अच्छी तरह से और अब इसमें ऐड करते हैं आलू। आलू को भी हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं हमने आलू को। इसे धीरे धीरे चलाते चलाते इसे पकाएंगे। आलू हमारे पक चुके हैं। इसमें डालते हैं हल्दी पाउडर, नमक और गरम मसाला। इसमें ऐड करते हैं लाल मिर्च पाउडर और इसे भी अच्छी तरह से चला लेते हैं। इसे थोड़ी देर अभी पकने देंगे ताकि हमारे मसाले भी अच्छी तरह से पक जाएं। और इसमें अब ऐड करते हैं पानी। हमने इसमें गर्म पानी ऐड किया है। गर्म पानी ऐड करने से इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। अपने हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर लें और इसको ढक के रख देते हैं। अभी इसमें उबाल आने लगा है। अभी इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि और अच्छा हो जाए। ये बन के तैयार है मेरा सेम का निमोना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।